नाउ फर्स्ट डिस्कस द कर ट्रेसिंग चैप्टर आपने रेक्टिफिकेशन स्टार्ट किया था उसमें हमें कारों को ट्रेस करने में दिक्कत आ रही थी इस वजह से हम क्या करेंगे पहले ट्रेसिंग चैप्टर को कर लेते हैं उसके बाद हम कारों की लेंथ निकालना सीखेंगे बाद में पहले ट्रेसिंग सीख लेते हैं कारों की ट्रेसिंग के कौन कौन से पॉइंट्स आए दिए मैंने डिस्कस भी कर दिए थे दोबारा फिर डिस्कस कर देते हैं क्या आपके पास फर्स्ट वी चेक दिट्री स्मेट्री चेक करेंगे स्मेटरी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे या तो करो आपकी स्मेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सीज होएगी ठीक है या आपकी करो स्मेट्रिकल अबाउट क्या होएगी वाई एक्सीज द करो इस्मेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सीज उसका क्या मीनिंग होएगा द करो इसमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सीज इफ द इक्वेशन रिमेन अनचेंज्ड ऑन रिप्लेसिंग वाई टू माइनस वाई मीनिंग वाई की जगह माइनस वाई रिप्लेस कर दें तो आपके पास क्या आ जाए इक्वेशन क्या रही अनचेंज रही आपके पास तो करो क्या होगी सिमिट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिज जा आ जा जाएगी जैसे ये पैराबोला दे रखा है आपको एक्स एक्सएक्सीज के सिमेट्रिक आपके पास ठीक है और आप यदि चेंज कर दो एक्स को माइनस एक्स में चेंज कर दें इक्वेशन क्या आ जाए रिमेन अनचेंज हो जाए तो आपके पास करो क्या हो जाएगी सिमिट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस जो ये वाला पैराबोला अपवर्ड पैराबोला ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है ठीक है नेक्स्ट केस क्या के आएगा अबाउट द समिट्री समिट्री अबाउट द ओरिजन ओरिजन के अबाउट समिट्री का क्या मीनिंग होएगा द करो इसमिट्रिकल अबाउ सिमेट्रिकल इन द अपोजिट क्वाड्रेंट इफ़ द इक्वेशन रिमेन अनचेंज व्हेन एक्स एंड वाई रिप्लेस माइनस एक्स टू वाई क्या का क्या कहना चाह रहा है आपके पास है एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करें और वाई की जगह माइनस वाई रिप्लेस करें तो करो क्या हो जाएगी सिमिट्रिकल अबाउट क्या हो जाएगी चेंज ना आए उसके अंदर फिर सिमिट्रिकल अबाउट क्या हो जाएगी अपोजिट क्वाडेंट हो जाएगी मीनिंग पहले तीसरे क्वाड्रेंट के अपो सिमेट्रिक हो जाएगी फर्स्ट थर्ड के हो जाएगी और या सॉरी सेकंड के और फोर्थ हो जाएगी या फर्स्ट के थर्ड के आ जाएगी आपके पास दूसरी नेक्स्ट के आसमेट्रिकल अबाउट ए लाइन भी कोई भी लाइन दे रखी है आपके पास उसके सिमेट्रिकल कैसे होएगी जैसे ये लाइन है या ये लाइन है आपके पास द करो इसमेट्रिकल अबाउट ए लाइन वाई इक्वल टू एक्स कब इफ़ द इक्वेशन इज अनऑल्टर्ड वेन एक्स इज चेंज टू वाई एंड वाई टू चेंज टू एक्स एक्स और वाई को एक्स को वाई में चेंज करें और वाई को किस में चेंज करें एक्स में चेंज करे तो क्या है आपके पास इक्वेशन अनचेंज रहे आपके पास तो करो इसमेट्रिकल अबाउट ए लाइन वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगी अब करो इसमेट्रिकल अबाउट वाई इक्वल टू माइनस एक्स उसका क्या मीनिंग होगा हम चेंज करें एक्स टू माइनस वाई और वाई टू माइनस एक्स तब भी क्या रहे अनचेंज रहे तो करो इस मेट्रिकल अबाउट क्या आ जाएगी वाई इक्वल टू माइनस एक्स क्या आ जाएगी जैसे ये वाला क्वेश्चन है ये सर्कल ये लाइन है आपके पास वाई इक्वल टू माइनस एक्स इसमें चेंज करेंगे एक्स को माइनस वाई में वाई को माइनस एक्स में तो कोई चेंज नहीं आएगा आपके पास ठीक है ओरिजन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट केस क्या है ओरिजन का इफ द कॉन्स्टेंट टर्म इज मिसिंग अब आपके पास कॉन्स्टेंट टर्म मिसिंग है द इक्वेशन ऑफ ए करो पास इज थ्रू द ओरिजन ओरिजन से पास करेगी फिर इसकी इसी का नेक्स्ट केस बनाएंगे इफ द करो पास इज थ्रू द ओरिजन देन राइट डाउन द टेंजेंट या टेंजेंट एट द ओरिजन टेंजेंट एट ओरिजन निकालते हम किससे बाय इक्वेटिंग जीरो द लोएस्ट डिग्री टर्म भी उसमें जो लोएस्ट डिग्री टर्म है उसको जीरो से इक्वेट कर देंगे अब टेंजेंट के केस आएंगे इफ द ओरिजन इज डबल पॉइंट ठीक है ओरिजन के दो पॉइंट आ जाते हैं डबल पॉइंट आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे नेचर ऑफ द ओरिजन इफ डबल नेचर होएगी नोड की होएगी या कस्प की होएगी या कंजुकेट पॉइंट की होएगी ठीक है नोड की सेप तो ये ऐसी हो जाती है या ऐसी होएगी ठीक है कस्प की सेप ये हो जाएगी आपके पास तो ये कैसे बनेंगे जब आपके पास टेंजेंट टेंजेंट क्या आ जाते हैं रियल और डिस्टिंक टेंजेंट आ जाते हैं तब सेप क्या आ जाएगी नोड की आ जाएगी दूसरा केस क्या है कि टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो क्या जाए? आ जाए रियल और कोइंसिडेंट आ जाए तो आपके पास कस्प की सेप होएगी थर्ड केस क्या है आपके पास अब कंजुकेट पॉइंट किस केस में होंगे टेंजेंट क्या जाए? आ जाए इमेजनरी वैल्यू आ जाए आपके पास तो क्या आ जाएंगे कंजुकेट पॉइंट क्या तीन केस बनेंगे कौन कौन से नोड कस्प और कंजुकेट पॉइंट ठीक है फिर क्या निकालते हैं हम एसिमप्रोड्स निकालते हैं एसिम प्रोट्स निकालना सीख ही चुके हैं पर हम बता देते हैं कैसे निकालते हैं कि एसिम प्रोट्स पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरल निकालने थे एसिम से पैरल टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पैरल टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस आर ऑब्टेंड बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट जीरो को से हाइस्ट डिग्री कोफिशिएंट को जीरो से इक्वेट कर देंगे एक्स की हाइएस्ट पावर का या वाई की हाइएस्ट पावर को जीरो से इक्वेट करके जो एस इम प्रोट निकलेगा वो सिम प्रोट्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस निकल जाएगा फिर क्या निकालते हैं हम ओवलिक एसिम प्रोट्स निकालते हैं ओवलिकसिम प्रोट्स निकालने के लिए क्या करते हैं एक्स को वन और वाई को एम पुट कर देते हैं और हायर डिग्री में सोल कर लेते हैं इसको एम की वैल्यू एम क्या होता है स्लोप होता है और लाइन में पुट कर देते हैं ये आप ये पूरा प्रोसीजर एसिम प्रोट्स निकालने का है ठीक है तो जो आपके पास ये लाइन होती है एम और सी की वैल्यू पुट कर देते हैं ये ओबली कैसेम्पोर्ट्स में आती हैं फिर क्या करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे अभी करो कहाँ मीट करती है एक्सिस पे वाई एक्सिस पे पहले तो द करो मीट एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस पे कहाँ मीट करेगी वाई को जीरो पुट कर देंगे हम ठीक है पुटिंग वाई जीरो देन वी गेट द रियल वैल्यू ऑफ एक्स देन द करो मीट एक्स एक्सिस यदि रियल वैल्यू ना आए तो करो एक्स एक्सिस पे मीट नहीं करेगी ठीक है सिमिलरली एग्जाम इन द करो द मीट वाई एक्स इज वेन एक्स जीरो ठीक है फिर इसके बाद शिफ्ट द ओरिजन टू द पॉइंट वन एंड वन बाय वन एंड फाइंड द टेंजेंट एट द न्यू ओरिजन एंड डिस्कस द नेचर ऑफ न्यू ओरिजन क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका कि उसके बाद भी जो नॉन जीरो पॉइंट आते हैं आपके पास उनका ओरिजन क्या कर देते हैं हम शिफ्ट कर देते हैं शिफ्ट करने के बाद जो इक्वेशन है वो चेंज होकर नई इक्वेशन आ जाती है और उस इक्वेशन को फिर लोएस्ट डिग्री ट्रम्प से लोएस्ट डिग्री ट्रम्प को जीरो से इक्वेट करते हैं फिर नए टेंजेंट आ जाते हैं ठीक है न्यू ओरिजन आ जाते हैं नए टेंजेंट एट औरिजन आ जाते हैं तो फिर फिर उसका डिस्कस करते हैं फिर इफ़ द करो सिमेट्रिकल अबाउट वाई इजल टू प्लस माइनस एक्स है देन फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर ऑफ दीज लाइन इनके कोरस्पॉडिंग निकाल लेते हैं ठीक है रीजन कैसे निकालेंगे द रीज़न इज टू विच द करो इज बाउंडेड इन द क्वारेंट कैन बी फाउंड किस तरह निकालते हैं सोल द इक्वेशन ऑफ ए करो फॉर वाई वाई के लिए सोल्व करते हैं एंड फाइंड दोज वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज रियल वो वैल्यू निकालेंगे एक्स की जो जिसके लिए वाई रियल होगा जैसे देन द the, करो बिटवीन दीज वैल्यू ऑफ एक्स जैसे ये, ये करो दे, दे।, दे रखिए आपको ये दे रखिए आपको ठीक है अब हम चेक करेंगे वाई स्क्र कम्स नेगेटिव वाई स्क्र नेगेटिव कब होगा अब जो ये वैल्यू है नेगेटिव कब हो सकती है जब आपका एक्स क्या होगा दो टू ए से छोटा हो जाएगा ठीक है और टू ए से छोटा होते वाई स्क्र नेगेटिव आ जाएगा वाई स्क्र नेगेटिव आते तो इमेजनरी पोर्शन आ जाएगा तो जब एक्स आपके पास दो से लेस है आपके पास टू ए से लेस है तो वाइज इमेजनरी आ जाएगा शो नो पोर्शन ऑफ द करो लाई टू द लेफ्ट टू द लाइन एक्स इज इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू टू ए के लेफ्ट में करो का कोई भी पोर्शन लाई नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा क्योंकि इमेजनरी वैल्यू आती है टू ए के लेफ्ट में ठीक है आ, तो रिजेक्ट दोज वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एक्स एंड वाई की वो वैल्यू रिजेक्ट कर देंगे विच मेक लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन आर ऑफ अपोजिट साइन अपोजिट साइन में आएगी मान लीजिए ये ये अपोजिट साइन में आएगी तो ही वैल्यू आएगी ये अपोजिट साइन में आए तो इमेजरी वैल्यू आएगी तो दोनों वो केस रिजेक्ट कर देंगे जिससे कि इक्वेशन लेफ्ट और राइट क्या आ जाए आपके पास अपोजिट साइन में आए उसके बाद हम क्या करेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो ओब्जर्व डैट वाई विल वेरी एज एक्स इज इंक्रीज देन टेंड्स टू टेंटी ये जरूरी नहीं है चेक करना छोड़ भी देंगे हम सम स्पेशल पॉइंट भी होते हैं इसके सम स्पेशल पॉइंट कौन कौन से होते हैं सम टाइम इट बिकम्स नेसेसरी टू फाइंड द एडिशनल पॉइंट फॉर एग्जाम्पल द पॉइंट वेयर द करो इज मैक्सिमम वो पॉइंट भी निकाल के दिखा देते हैं मैक्सिमम कहाँ है मिनिमम कहाँ है ठीक है या रीजन ऑफ कन्वेक्सिटी या कन con कन्वैक्सिटी या कनकेविटी या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इन्फ्लेक्शन जहाँ पे ना मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना मिनिमम वैल्यू आएगी कनकेव और कन्वेक्सिटी कहाँ होएगी मीनिंग मैक्सिमा मिनिमा होगा वो कन con कनकेविटी और कन्वेक्सिटी को भी डिफाइन करता है नीचे बता भी रखे हैं फाइंड द पॉइंट वेर डी वाई बाई डी एक्स इज जीरो वो निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स जीरो है मीनिंग टेंजेंट क्या होगा पैरल एक्स एक्सीज के पैरल हो जाएगा जब डी वाई बाई डी एक्स को जीरो पुट करोगे तो उन पॉइंटों पर टेंजेंट पैलर टू एक्स एक्सिच हो जाएगा जब डी वाई बाई डी एक्स इज इन्फिनिटी टेंजेंट आर पैरल टू वाई एक्स इज दिस इज पॉजिटिव करो इज इनक्रीजिंग दिस इज नेगेटिव करो इज डिक्रीजिंग फिर हम क्या करेंगे फाइंड द पॉइंट वेर डी टू वाई बाई डी एक्स केयर इज यदि सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता है तो करो इज़ कनकेव अपवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में कनकेव हो जाएगी आपके पास नेगेटिव आ जाता है कनकेव डाउनवर्ड आ जाएगा ठीक है द पॉइंट वेयर दिस इज जीरो एंड दिस इज़ नॉन जीरो द पॉइंट वेयर दिस इज चेंज साइन पास इज थ्रू दिस पॉइंट आर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यू केस ये केस क्या हो जाएगा आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का होगा इनको इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हम नेक्स्ट जैसे देखो ट्रेसिंग में क्या होता है पैराबोला के चार केस आते हैं लेफ्ट साइड एक्सिस के सिमेट्रिकल अबाउट हो जाएगा या एक्स एक्सिस के इधर सिमेट्रिकल अबाउट होएगा ये दो केस हो गए आपके पास या अपवर्ड वाई एक्सिस के या डाउनवर्ड वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होएगा ठीक है फिर आपके पास होता है क्यूबिकल पैराबोला भी बोलते हैं जैसे वाईजल टू एक्स क्यूब ये इस टाइप से होता है ये अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमिट्रिक होता है ठीक है या इधर या इधर इधर फर्स्ट और सॉरी सेकंड और फोर्थ में या फर्स्ट और थर्ड में होता है आपके पास जैसे इसको कैसे एड्रेस करेंगे देखो द करो इस्मिट्रिकल अबाउट समेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट मीनिंग क्यों आएगी जब एक्स को माइनस एक्स में चेंज करेंगे वाई टू माइनस वाई द इक्वेशन ऑफ द करो डज नॉट चेंज कोई चेंज नहीं आ रहा है इसमें ओरिजन करो ओरिजन से पास करेगी टेंजेंट एट द ओरिजन क्या होगा लोवेस्ट डिग्री टर्म क्या वाई है वाई को जीरो से इक्वेट कर दो वाई को जीरो से इक्वेट करोगे तो जो आपकी एक्स एक्सिज है वो टेंजेंट एट द ओरिजिन बनेगी आपके पास जैसे ये आपके पास ऐसे आ गई इधर तो इधर से ये जो एक्स एक्सीज है ये यहाँ क्या कर रही है टच कर रही है इसको ऐसे ही सिमिलर ये वाली एक्स एक्सीज इधर से टच कर रही है तो टेंजेंट क्या बन गया एक्स एक्सिज बन गई फिर रीजन एक्स नेगेटिव है वाई नेगेटिव है एक्स पॉजिटिव है तो वाई पॉजिटिव इधर फॉर द करो लाइन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट जब आपके पास एक्स नेगेटिव है तो वाई भी क्या आता है नेगेटिव आता है वो कौन सा क्वाड्रेंट होता है आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है ठीक है और जब एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव तो वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है तो दो, दोनों दोनों क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगी स्मिट्रिक आ जाएगी एस इसका कोई एस नहीं है क्योंकि हायर पावर का क्वेश्चन क्या है कॉन्स्टेंट है इधर कॉन्स्टेंट आए जब हायर पावर का हु, क्वेश्चन है तो देर इज ए नो एस बोलेंगे स्पेशल पॉइंट निकालना चाह रहे तो डी वाई बाई डी एक्स थ्री एक्स स्क्र डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र सिक्स एक्स हो जाएगा एक्स पॉजिटिव यदि आपका एक्स पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला केस लेते हैं तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र भी क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा ठीक है द करो क्या आ जाएगी इसके सारे केस चेक करके दिखा दिए इसने तो करो क्या हो जाएगी कनकेव अपवर्ड हो जाएगी इन द थर्ड क्वाड्रेंट मान लो थर्ड क्वाड्रेंट वाला केस है नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा तो इस केस में कनकेव डाउनवर्ड हो जाएगी इससे अगला केस भी डिस्कस कर दिया इसने यदि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र जीरो आ जाता है कब जीरो आएगा जब इज जीरो ठीक है एक्स जीरो तो वाई भी जीरो हो गया ठीक है बिकॉज डी टू वाई बाय डी एक्सर चेंज द साइन वाइल पासिंग थ्रू द दसिज थ्रू द ओरिजन ठीक है तो देर फोर द ओरिजन इज अबाउट इन्फ्लेक्शन आ जाएगा ये देखेंगे नहीं हम इतना जब आपके पास y जिकल टू माइनस एक्स क्यूब है y जिकल टू एक्स क्यूब था तो ये फर्स्ट और थर्ड में आ गया था माइनस एक्स क्यूब है तो ये इधर ये शेप बनेगी एक्सिकल टू वाई क्यूब है तो ये वाली शेप बनेगी आपके पास एक्स्यूक्ल टू माइनस वाई क्यूब है तो ये वाली शेप बनेगी जब इसको ड्रॉ करेंगे अपने आप आ जाएगा फिर क्या है सेमी क्यूबिकल पैराबोला के केस हो गए आपके पास सारे ठीक है इसके बाद आता है ये वाला केस ये क्या बनेंगे आपके पास एक्स सुकेयर या वाई स्क्र इज इक्वल टू एक्स क्यूब है ठीक है थर्ड केस हेयर द इक्वेशन ऑफ वाई स्क्यर इज इक्वल टू एक्स क्यूब इस अब इसकी सिमिट्री चेक करोगे देखना सिमिट्री ओनली द इवन पावर ऑफ वाई वाई की इवन पावर है सिर्फ तो सिमिट्री कल अबाउट सिर्फ एक्स एक्सिस के सिमिट्री को होएगी करो ग्राफ ठीक है ओरिजन करो पासिस थ्रू द ओरिजन ठीक है पासिज थ्रू द ओरिजन एंड और दूसरा केस क्या लेते हैं हम लोएस्ट डिग्री टर्म को जीरो से इक्वेट करते हैं लोएस्ट डिग्री टर्म क्या वाई स्क्र है ठीक है वाई स्केयर इक्वल टू जीरो तो इसका मीनिंग क्या आगे रियल और सेम टेंजेंट आगे तो शेप क्या बनेगी कस्प की शेप बनेगी मीनिंग ये ये शेप बनेगी कस्प की ठीक है फिर रीज़न देखना है जब एक्स नेगेटिव है तो वाई इमेजनरी आएगा नेगेटिव रखोगे तो वाई की वैल्यू इमेजनरी आएगी ठीक है नेगेटिव वाला तो केस लेना ही नहीं मीनिंग यहाँ पे एक्स जब नेगेटिव है ये वाला पोर्शन तो आएगा ही नहीं बिल्कुल भी क्योंकि इमेज में ही आ रहा है ना जब एक्स नगेटिव एक्स नेगेटिव इधर है ये वाला पोर्शन लेना ही नहीं हमें ठीक है देर फॉर नो पार्ट ऑफ द करो लाई लेफ्ट टू ऑफ वाई एक्सिस वाई एक्सिस के लेफ्ट में लाई नहीं करेगा जब एक्स पॉजिटिव है देर आर टू इक्वल एंड अपोजिट वैल्यू ऑफ वाई जब आपके पास एक्स पॉजिटिव है तो दो इक्वल और अपोजिट वैल्यू आ जाएंगी किसकी एक्स की ठीक है तो देर आर टू इक्वल एंड अपोजिट वैल्यू ऑफ वाई द ओरिजन इज सिंगल कस्प ऑफ फर्स्ट स्पीसीज इधर कस्ब बन जाएगा आपके पास ठीक है ऐसे ही जब हम इस करो का देखेंगे तो ये इधर कस्ब की शेप बनेगी इस करो का देखेंगे तो ये अपवर्ड बनेगी इस करो का देखेंगे तो ये नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कस्ब की शेप बनेगी फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया भी था अभी दोबारा भी देख लेते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन कैसे ट्रेसिंग करेंगे हम क्वेश्चन की क्या दे रखा आपको ये करो दे दी ठीक है इसको रीराइट कर लिया हमने अब इसमें सिमिट्री देखो x की भी इवन पावर है y की भी तो दोनों साइड समिट्रिक हो जाएगी ठीक है ओरिजन लोएस्ट डिग्री टर्म तो ये बन रही है आपके पास तो क्या करेंगे जीरो से इक्वेट करेंगे तो y जीक्वल टू प्लस माइनस एक्स दो टेंजेंट आ गए एक तो y इक्वल टू एक्स आ गया एक y इक्वल टू माइनस एक्स आ एक गया एक तो रियल भी है और डिस्टिंग भी है दोनों अलग अलग हैं तो शेप क्या बनेगी ओरिजन की शेप नोड बन जाएगी आपके पास ऐसे इम्प्रोट्स हैं फिर क्या करेंगे द इक्वेशन हाईस्ट डिग्री का कोफिशेंट देखेंगे ना एक्स की फोर पावर का कोफिशेंट तो क्या है वन बनेगा आपके पास देर इज नो एस एसिमप्रोड पैरल टू एक्स एक्सीज और वाई की हाइयर पावर क्या है वाई स्क्यर है इधर से तो एक्स स्क्र बनेगा इधर से ए स्केयर बनेगा आपके पास मीनिंग द ट्रम कंटेनिंग एक्स ये नहीं आएगा वेयर एज द कोफशंट ऑफ वाई स्क्वेयर इज ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र बनेगा ठीक है देर फॉर द एसम्प्रोड्स पैरल टू वाई एक्सीज इज ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र इक्वल टू जीरो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी मेजनरी आएगी तो कोई एस इम्प्रोड्स नहीं होएगा ठीक है देर इज नो एस एसिमप्रोट कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरल ओबलिक एस इंप्रोर्ट्स निकालना चाहे विच इज अगेन इमेजरी वैल्यू आ रही है वो भी नहीं आएगा कोई एस इम्प्रोट नहीं होता इसका करो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस द करो मीट एक्स एक्सिस तो वाई इक्वल टू जीरो करेंगे वाई जीरो करने से क्या आएगा एक्स जीरो आएगा एक्स प्लस माइनस ही तो पॉइंट जीरो जीरो ठीक है ये तो डिस्कस हो ही चुका है ओरिजिन जब आपके पास करो पास इस थ्रू द ओरिजन है तो रियल और डिस्टिंक्ट टेंजेंट आ जाएंगे अब इसके बाद बच गए कौन से केस ए जीरो और माइनस ए जीरो तो ए जीरो का हम क्या करेंगे ओरिजन शिफ्ट करना पड़ेगा तो एक्स को एक्स प्लस ए वाई को वाई प्लस जीरो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे अब फिर क्या करेंगे न्यू टेंजेंट देखेंगे ना तो लोएस्ट डिग्री टर्म क्या बन रही है इसमें एक्स बनेगी जो इक्वल टू जीरो एक्स जीरो का क्या मीनिंग एक्स क्या है आपके पास इधर से एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो मीनिंग एक्स इक्वल टू ए क्या बनेगा करो का टेंजेंट बन जाएगा सिमिलरली जब आप माइनस ए जीरो वाला केस डिस्कस करोगे तो एक्स इक्वल टू माइनस ए टेंजेंट बन जाएगा ठीक है तो हमें ये पता लग गया एक्स इक्वल टू ए और माइनस ए क्या बन गए करो के टेंजेंट बन गए फिर आपके पास राइट द इक्वेशन अब वाई स्केयर निकाल लिया हमने वाई की वैल्यू प्लस माइनस आ गई अब ये जो पोर्शन का करो का ग्राफ कब ड्रॉ कर सकते हो जब ये अंदर वाली जो वैल्यू होगी आपके पास ये आपके पास क्या आ जाएगी पॉजिटिव होगी तभी आपके पास ये वैल्यू आएगी ठीक है मीनिंग एक्स स्केयर इज लेस देन इक्वल टू ए स्केयर है या मोड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए या हम ये कहते दें माइनस ए से ग्रेटर इक्वल एक्स और लेस देन इक्वल टू ए ये वैल्यू है तो ही आपके पास एक्स माइनस ए टू ए लाई करता तो ही आप वाई इज इक्वल टू जो ये करो दे रखी इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो अदरवाइज नहीं कर सकते हम ठीक है तो करो का ग्राफ कहाजिकल टू ए लाइन और माइनस ए लाइन के बीच में रहेगा ठीक है अब हमें पॉइंट स्पेशल पॉइंट निकालना चाहो तो निकाल सकते हो वाई स्क्र दिस आपके पास टू वाई डीवाई बाई डी एक्स निकाल लिया हमने ठीक है तो डीवाई बाई डी एक्स को जीरो पुट करेंगे तो ये टर्म जीरो आ जाएगी ये क्रिटिकल पॉइंट निकालना चाह रहे हैं हम है? तो ये वैल्यू जब जीरो करेंगे या तो एक्स जीरो आएगा या ये टर्म आएगी आपके पास ठीक है ये इधर क्या है नेगेटिव साइन स्केयर के इक्वल है तो ये रिजेक्ट कर देंगे नेगेटिव वाली टर्म तो सिर्फ पॉजिटिव वाली रख लेंगे एक्स स्क्र इज इक्वल टू अंडरू टू माइनस वन ए स्केयर तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ये वैल्यू आ जाएगी ठीक है अब ये देखो दस टेंजेंट इज पैरल टू एक्स एक्स और बिटवीन एक्स इज इक्वल टू जीरो टू ए एक तो दो तो टेंजेंट ये आ गया आपके पास एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस दिस आपके पास है द शेप ऑफ द करो अभी ये देखो दो लाइन आए आपके पास दो टेंजेंट कौन से आए हैं एक तो वाई इक्वल टू एक्स पहले ड्रॉ कर दो ये आपके पास दूसरी क्या वाई इक्वल टू माइनस एक्स ये टेंजेंट हो गए दूसरे क्या है आपके पास एक्स इज इक्वल टू ए ये वाली कर देखो ऐसे ड्रॉ करेंगे इनको जो आपके पास हमें पता है ये है ये ए जीरो पॉइंट हो गया आपके पास और ये माइनस ए जीरो हो गया ठीक है एक तो पहले आपके पास ये टेंजेंट दे रखा है ये ड्रॉ कर लिया ये लाइन है एक ये लाइन आई है आपके पास ये दोनों क्या बना रही है टेंजेंट बना रही है ठीक है फिर आपके पास क्या है कि एक्स इज इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स और एक ये वाली आपके पास ठीक है अब हमें पता है कि जो आपके पास कर इधर से पास करती है इसको टच करती है इसको टच करती है इधर से पास करती है इधर से पास करती है, इसको टच करती है, इसको इसको तो वो ऐसे नोड की शेप वैसे ही है तो ऐसे आ जाएगी इसको टच करती हो ऐसे ठीक है इसको टच करती हो ऐसे ये बन जाएगी आपके पास तो ये भी टेंजेंट का काम हो गया ये भी ये भी आपका टेंजेंट है ये भी टेंजेंट है y इक्वल टू एक्स भी है और माइनस एक्स भी आपके पास ठीक है और करो जीरो जीरो से ए जीरो से और माइनस ए जीरो से पास करती तो इसको टच करेगी इसको करेगी इससे पास होएगी इसको इसको टच करेगी इधर ऐसे ही और बननी क्या चाहिए नोड की शेप बननी चाहिए तो ऐसे पास करानी पड़ेगी तभी हम दोनों साइड नोड बनेंगे इधर भी नोड की शेप इधर भी नोड की शेप ठीक है यहीं तक कर लेना